I am Sadia, a tiny YouTuber from Pakistan. I make videos of cooking, eating, outing, shopping, DIYs, vlogs, and many more. If you like something about my channel, please don't forget to subscribe. Thank you very much. Friends, welcome back to my channel. कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहनें बहुत अच्छी होंगी और अपने घरों में पुरसकून ज़िंदगी गुजार रहे होंगे. और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको बहुत सारी खुशियाँ दें और बहुत सारी खुशियों के साथ अपने घरों में आबाद रखें और अल्लाह पाक हम सबको शयातीन के शर से और हासदीन की हसद से महफूज रखें और अल्लाह पाक हमारे दिलों को भी हसद से और कीना से पाक रखें. आमीन. और ये देखिए, आज एक बहुत ही ज़्यादा सनी डे है, अच्छे से धूप निकली हुई, लेकिन ये थोड़ी गर्मी वाली धूप है. मतलब वो नहीं है कि ठंड वाली धूप है जिसमें बैठ के आपको अच्छा लगे. तो बहुत ज़्यादा धूप हो रही है आजकल, गर्मियाँ जो है वो शुरू हो चुकी हैं. और गर्मियों की वजह से, हाँ, लेकिन एक बात है कि रात को जो है वो बारिश हो जाती है, मतलब ठंडी ठंडी सी हवा चलने लगती है और फिर उससे ये होता है कि आपको जो है ना थोड़ा सा मौसम चेंज हो जाता है. तो यहाँ पर जो वो आज संडे है और आज चल रहे हैं दिन के काम, और कामों में मैं आपको मिलवाती हूँ कि कौन कौन क्या क्या कर रहा है. आज मैंने कहा सनी डे से जो है वो डे को स्टार्ट करती हूँ अपनी वीडियो को. तो चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं आज जो है वो यहाँ पर जो है वो नादिया नादिया जो है वो सफाई कर रही थी. और जैसे ही मैंने वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू की तो इसने जो है वो झाड़ू रख दिया खुद ब खुद ही. मैंने नहीं बोला, इसने कहा कि ज़रा फिर आप उनको जो है वो आवाज़ जाएगी तो फिर बाजी जो है वो कहेंगी कि नादिया आवाज़ क्यों कर रही हो. तो अभी हम अंदर चलते हैं, देखते हैं अंदर क्या क्या चल रहा है काम. जी तो कुलसुम, आप क्या कर रही हैं? आप क्या कर रही हैं? नहीं बोल के बताएं. अच्छा आप मुझे बताती तो सही. आप, मैं ये वाला दे देती इसको वॉश करने के लिए, ये भी तो होता है ना, इससे ज़्यादा अच्छी क्लीनिंग हो जाती है. लेकिन चले कोई बात नहीं, इट्स ओके, अब इसी से आप धो लें. लेकिन इसको तो आपने, इनको शर्म आ रही है तो ये बोल नहीं रही. तो चले कोई बात नहीं, हम अंदर चलते हैं. ये मैं यहाँ पर जो वो सुन रही थी, नाच नाच नहीं है, नज़म है माँ की. कौन है यहाँ पर जो है वो मैं उठ चुकी हूँ. मैंने बेडशीट को ठीक नहीं किया, ऐसे ही सब कुछ पड़ा हुआ है. सिर्फ मैंने एक ब्लैंकेट को जो है वो ये फोल्ड किया अभी तक. और अभी जब वो मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद, तो संडे को कुछ डिफरेंट ब्रेकफास्ट मेरा दिल चाह रहा था हो, तो आज मैंने सोचा ही मैं बनाऊँगी आलू के पराठे. उसके लिए आलू मैंने मंगवा लिए हैं और ये रहे लीमू. और ये जो है लीमू, मैं ये एक ग्लास पानी में एक लीमू स्क्वीज़ कर कर जो पीती हूँ, इसके बहुत से फ़ायदे हैं. ये पानी यानी कि एक ग्लास नीम गर्म पानी में एक लेमन स्क्वीज़ कर कर अगर आप पिएँ तो आप बहुत अच्छा फील करेंगे. और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, मतलब कि आपकी बॉडी में बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं. एक तो ये आपको मोटा नहीं होने देता, आपको बहुत सारी बीमारियों से महफूज रखता है और बहुत 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 कुछ. मैं कोशिश करती हूँ इसी वीडियो में आप लोगों के साथ इसके बेनिफिट्स शेयर करने की, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा. मेरी तो पक्की आदत बन चुकी है, अगर मैं कभी ना पीऊँ तो मेरी बॉडी जो है वो मांगती है कि समथिंग इज़ मिसिंग. सो मैं ज़रूर पीती हूँ और मैं इसमें इसकी वजह से काफ़ी चेंज फील कर रही हूँ अपनी बॉडी में. मैंने पी लिया है, अभी जो है वो मैं जल्दी से रख देती हूँ आलू बॉयल होने को, ताकि जल्दी से ही बॉयल हो जाए. और इतनी देर में मैं बाकी के इंग्रेडिएंट्स तैयार कर लेती हूँ, जिसमें है बारीक प्याज कटा हुआ, उसके बाद सब्ज मिर्च, उसके बाद धनिया को मैंने बारीक बारीक काटना है. तो जितनी देर में ये बॉयल होते हैं मैं जल्दी से अपने बाकी के काम पूरे करती हूँ. तो जी हाँ, आलू मेरे अच्छे से बॉयल हो चुके हैं, इनको मैं अच्छी तरह से मैश करती हूँ. साथ में मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ लेमन और पानी के बेनिफिट्स. तो जी हाँ, टू इन वन कैसे? ऐसे कि वीडियो में आप देखिए कि मैं आलू के पराठे बनाने के लिए आलू का मिक्सचर कैसे तैयार करती हूँ. आंखों से आप ये देखिए और कानों से सुनिए लीमू और पानी के बेनिफिट्स. तो है ना टू इन वन? तो जी हाँ, टू इन वन हो रहा है मेरे इस वीडियो में, जो कि पहले आपको कभी नहीं मिला होगा. तो
चलिए मैं आपको बताती हूँ कि लीमू पानी के सुबह को निहारमू पीने के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो यहाँ पर जल्दी मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं, इनको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ और लेट्स गो। आपको पता है जो चाइनीज़ हैं वो अक्सर आपको स्लिम स्मार्ट और फिट दिखाई देते हैं, तो हमने सुना है, मैंने सुना है कि जो चाइनीज़ लोग हैं वो ज़्यादातर बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम नीम गर्म पानी ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है चीनी शहरी नीम गर्म पानी क्यों पीते हैं। अगर आपको पता चल जाए तो आप हमेशा नीम गर्म पानी पीना चाहेंगे। यूनिवर्सिटी के शोबा सेहत के अमराज माहिरीन की तहकीक से मालूम हुआ है कि अगर सुबह उठकर निहार मुँह गर्म पानी में आधा लीमू निचोड़ लें और थोड़ा सा शहद मिलाकर इस्तेमाल किया जाए तो नज़ला ज़ुकाम और मैदे के अमराज समेत कई बीमारियों से महफूज रहा जा सकता है। माहिरीन के मुताबिक लीमू और शहद मैदे की सफाई करते हैं, जिसके बायस मैदे में मुजरे सेहत अशिया जैसे चिकनाई वगैरह जमा नहीं होती, जिससे इंसान मैदे की बीमारियों से बचा रहता है। तहकीक से ये बात सामने आई है कि वो अफराद जो अपने वज़न में कमी लाना चाहते हैं, इन्हें डाइटिंग के बजाय निहार मुँह लीमू और शहद मिला नीम गर्म पानी पीना चाहिए। ये जिस्म की फाजिल चर्बी को घटाता और वज़न में तेज़ी से कमी लाता है। अरे वाह, अब तो सभी पियेंगे इसको। तो जो जो अपने अपना वेट जो है वो लूज करना चाहते हैं वो इस टिप को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। और हाँ, शहद मैं कोशिश करूँगी कि मैं भी अब शहद ऐड करूँ, क्योंकि मैं शहद ऐड नहीं करती थी, लेकिन अब मैं ट्राई करूँगी कि मैं भी शहद ऐड किया करूँ। तो ये थी आपके लिए 2-in-1 वीडियो, 2-in-1 वीडियो नहीं, 2-in-1 बस। हाँ, तो ये थी आपके लिए 2-in-1। देख लिया आपने कि मैंने आलू का मिक्सचर बनाने के लिए, आलू के पराठे बनाने के लिए मिक्सचर कैसे तैयार किया। सॉरी, आज मेरी टंग में ट्विस्ट हो रही है बार बार, सो माजरत इसके लिए। तो जी हाँ, ये मैंने आपको एक तीर में दो शिकार दे दिए, तो अब उम्मीद है कि आप लोग भी इसको जो है वो ट्राई करेंगे लीमू पानी को, क्योंकि ये मैं काफ़ी टाइम से यूज़ करती आ रही हूँ और अभी ना पीऊँ ना नहीं पीऊँ तो मुझे इसकी कमी महसूस होती है। चलिए जल्दी से पराठे बनाते हैं, उसके बाद होंगी बाकी बातें। अब मैं इसको अच्छे से ऐसे गूंद इसलिए रही हूँ क्योंकि इसमें छोटे छोटे से आलू जो थे वो थोड़े सख्त रह गए थे, मतलब आलू पूरी तरह से नहीं गले थे, तो मैंने इसको इस तरह से किया ताकि जो छोटे छोटे से लम्स रह गए हैं वो जल्दी से। तो कैसा लगा आपको मेरा ये आलू का पराठा? आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि आप लोगों को तो मेरी सारी बातें अच्छी लगती हैं, ये तो आपका प्यार है, वरना मैं तो कुछ भी नहीं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ रहने का और मुझे प्यार करने का।
मैं भी आप लोगों को दिल से मोहब्बत करती हूँ अपनी तमाम सिस्टर्स के साथ। मेरे साथ रहने का शुक्रिया। और ये देखिए कितने प्यारे से रेड रोज़ेस हैं। मैं जा रही थी नादिया के साथ कहीं पर, किसी काम से जा रही थी, तो रास्ते में मुझे नज़र आए इतने प्यारे प्यारे से ये रेड रोज़ेस, जो मुझे काफ़ी प्यारे लगे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं थोड़ा सा इसको रिकॉर्ड कर लूँ। तो नादिया से मैंने कहा चलो नादिया इनको रिकॉर्ड करते हैं। तो तोड़ने को तो दिल नहीं चाहता, ये पौधे जो वो फूल पर ही, सॉरी फूल जो वो पौधों पर ही अच्छे लगते हैं, अगर इनको तोड़ लेते हैं ना तो फिर ये मुरझा जाते हैं। तो यहाँ पर मैं फूल देख रही थी, तो एक साइड से जब वो एक ब्राइडल की कार आ रही थी जो कि अच्छे से डेकोरेट हुई हुई थी, जो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी, तो मैंने थोड़ा सा उसको भी रिकॉर्ड कर लिया। तो ये देखिए कितने अच्छे से डेकोरेट हुई हुई है। अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ मैं, जिस लड़की के लिए भी ये गाड़ी सजाई गई है, अल्लाह पाक उस लड़की की ज़िंदगी में ठेरों खुशियाँ दें, आमीन आमीन। ये देखिए कितने प्यारे कलरफुल से फ्लावर्स हैं ना, ओ माई गॉड। गर्मियाँ, अब देखिए ना अल्लाह का कितना एहसान है हम पर। अल्लाह पाक ने हमें हर तरह के मौसम दिए हैं, सर्दी गर्मी बहार खिजां। गर्मियों की अपनी खूबसूरती है, सर्दियों की अपनी खूबसूरती है। यस रियली वी आर ब्लेस्ड। वेलकम बैक फ्रेंड्स, गर्मियाँ आ गई हैं और लॉन के प्रिंट्स भी आ गए हैं। तो जैसा कि गर्मियाँ आ गई हैं, फ़िलहाल मैंने जो वो दो चार अपने ड्रेसेस लिए हैं ताकि गर्मियों का जो सीज़न है, क्योंकि जो पुराने गर्मी के कपड़े मैंने निकाले तो वो मुझे इतने पुराने लग रहे हैं, वो पहनने को दिल नहीं चाह रहा। तो मैं जल्दी से जो वो दो चार अपने ड्रेसेस लेकर आई हूँ ताकि मैं इनको स्ट्रिच करवाऊँ और फिर मैं इनको गर्मियों में पहनना शुरू करूँ, क्योंकि गर्मियाँ एकदम से आ गई हैं, अब आनी ही थी। सो ये गर्मियाँ आ गई हैं, तो ये मैं आपको दिखा अपने ड्रेसेस दिखाती हूँ। एक दो जो वो थोड़े एम्ब्रॉयडर्ड हैं और बाकी ये जो दो हैं वो प्रिंटेड हैं, जो कि बहुत अच्छे प्रिंट हैं। कुछ लाइट कलर हैं, कुछ डार्क हैं, लेकिन मैं पर्सनली डार्क कलर्स पहनना पसंद करती हूँ, पता नहीं क्यों, और लाइट कलर बहुत कम पहनती हूँ। लेकिन यस फ़िलहाल आपके सामने है, अभी मुझे इनको करना है श्रिंक। अब तो लॉन के जो ड्रेसेस होते हैं ना, इनको सिलाई करने से पहले पानी में भिगो के रखा जाता है, जिसको बोलते हैं श्रिंक करना, आई थिंक यही कहते हैं, हम तो यही कहते हैं घर पे। तो अभी जो वो मैंने एक जो ड्रेस है उसको तो पानी में भिगोने के बाद उसको मैंने फैला दिया है, और जो बाकी के हैं उनको मैंने श्रिंक करना है। तो आप लोग बताइए ये कैसे लग रहे हैं आपको। आपको पता है गर्मी में इतने प्यारे प्यारे से प्रिंट्स होते हैं ना, तरह तरह के कलरफुल से और हर तरह से ठंडे मीठे कलर्स, तो दिल चाहता है कि सारे कलर्स ले लो। और ख़ासतौर पर मेरा दिल चाहता है जब भी मैं शॉपिंग करने जाऊँ ड्रेसेस की, तो मेरा दिल चाहता है 5-6-7 ड्रेसेस एक साथ लूँ, उससे कम नहीं, तो नहीं उससे कम तो मुझे लगता है कि मैंने शॉपिंग ही नहीं की। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने हर नेमत से नवाजा है, हर तरह की ख्वाहिशात हमारी अल्लाह पाक पूरी कर देते हैं, एंड यस अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक ये रहा, वो मैंने श्रिंक कर दिया था, तो अभी जो वो इस पिंक वाले को श्रिंक करते हैं। तो चलिए फिर आप लोग भी मेरे साथ आइए और देखिए कि मैं इनको कैसे पानी में भिगोती हूँ। और ठीक है, आज की वीडियो यहीं तक है, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलती हूँ, क्योंकि आप लोग कहते हैं आपकी वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, प्लीज़ छोटी वीडियोस बनाया करें। तो आई थिंक कि अभी तक के लिए इतना ही। टेलर को दूंगी ये ड्रेसेस, स्टिच होने के बाद दिखाऊंगी आप लोगों को। आप लोग बताइएगा कि कैसे स्टिच हुए, अल्लाह करे कि अच्छे स्टिच हों, क्योंकि मैंने टेलर जो है वो अब चेंज होगा, हमारा जो पहले वाले टेलर साहब हैं वो जा चुके हैं। सो यस आई होप कि अच्छे ही सिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।